हाँ जी, सीए इंटर का एग्जाम तो देने से पहले अकाउंट्स का आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि पहले 15 मिनट्स कैसे यूटिलाइज करने हैं, कौन सी चीजें एग्जाम के ड्यूरेशन में करनी है, किन चीजों को अवॉइड करना है वो भी हमें पता होना चाहिए, ईगो को बिल्कुल साइड रख देना है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड वो आगे बात करेंगे, प्रेजेंटेशन की क्या टिप्स होनी चाहिए, कौन कौन सी नई चीजों को अवॉइड करना है आपको, आंसर नंबर रोल नंबर ये सारी चीजें देखेंगे इसमें कि पूरे पेपर को एक तरीके से क्या स्ट्रेटेजी बना के हमें फॉलो करना चाहिए, फटाफट से देखेंगे ताकि आप इसे एग्जाम में फॉलो करें और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप अवॉइड कर सके। जैसे सबसे पहली चीज होती है हाउ टू यूटिलाइज फर्स्ट 15 मिनट्स, पहले 15 मिनट कैसे इस्तेमाल करें, अकाउंट्स का पेपर देखा और आप टूट पड़े तो बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगी कि हम फटाफट से क्या कर ले सारे क्वेश्चन पढ़ ले 15 मिनट में और सबका सॉल्यूशन कर दे, या अभी पता चल जाए हमें क्या आंसर आ जाए, कौन कौन सी इजी है वो छाट ले। हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ना तो हमें एकदम देख के बहुत ज्यादा खुश होना है पेपर को कि चलो जो जो चैप्टर्स मैंने प्रिपेयर किए हैं वो आ गए हैं, ये भी चीज नहीं करनी है, और ना ही हमें एकदम पेपर देख के घूम जाना है कि पेपर कहाँ से आ गया। दोनों ही सिचुएशन में पहले 15 मिनट में आप एनालाइज नहीं कर सकते कि पेपर डिफिकल्ट है या इजी है, हो सकता है जो क्वेश्चन आपको दिखने में इजी लग रहा हो वो डिफिकल्ट हो, ऐसा भी हो सकता है जो फर्स्ट ओवरव्यू में आपको लग रहा है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है लेकिन जब सॉल्व करने बैठे तो क्वेश्चन इजी था, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहली चीज होती है अर्ली रिएक्शन को अवॉइड करना कि पेपर कैसा है, क्योंकि पेपर कोई बाहर से तो आएगा नहीं, जितने चैप्टर स्टडी मैट में है उन्हीं में से पेपर आना है, मुश्किल और टफ आप तब करोगे जब पेपर सॉल्व होने लगेगा धीरे धीरे, और पहले 15 मिनट में आप हर एक क्वेश्चन की सारी एंट्रीज पढ़ के डिसाइड कर लो कि कौन सा इजी है कौन सा मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। आपने भी देखा होगा पहले हम इजी क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं और फिर वही सॉल्व नहीं होता क्योंकि हम पूरा नहीं पढ़ते हैं, एक ना एक एंट्री उसमें गड़बड़ वाली हो सकती है। तो सबसे पहली चीज क्या है आपको अवॉइड करनी है, अवॉइड अर्ली रिएक्शन, कोई भी आपको अर्ली रिएक्शन पेपर का देख के नहीं देना है कि पेपर इजी है या डिफिकल्ट है, वो एग्जामिनर डिसाइड करेगा कि कौन सा पेपर कौन सा क्वेश्चन उसे गलत कराना है आपसे। अमाउंट्स में भी गलतियां कराई जा सकती हैं, ऐसा नहीं पेपर में क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, अमाउंट जो है उन्होंने दे दिया इन करोड़ और या इन लैक्स, अब जिस बच्चे ने अमाउंट ओपन कर दी वो भी गया, और जिन बच्चे ने अमाउंट ओपन नहीं की और पता नहीं चला कि 2.67 करोड़ का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसमें अमाउंट्स में गलती, तो कैसी भी गलती कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, पहले 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर का अर्ली कोई भी एनालिसिस करके रिएक्शन नहीं देना अपने आप को कि पेपर कैसा आ गया, पहली चीज। दूसरी चीज स्ट्रेटजी कैसे चला जाएगा और कौन सी मोहमाया एग्जाम में एग्जाम हमारी तरफ देगा जो हमें अवॉइड करनी है बिल्कुल, जैसे कि देखिए सबसे पहली चीज आप अपने चैप्टर्स को फाइंड आउट करिए, क्वेश्चंस को नहीं, कौन से चैप्टर्स हैं ऐसे जो आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन उसके आए हैं, बस क्वेश्चन को मत देखिए कौन सा क्वेश्चन मुश्किल है कौन सा नहीं, आप बस चैप्टर देखिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन एएस का होगा तो आप देखिए उसमें क्या एएस 10 का क्वेश्चन है क्या 16 का क्वेश्चन है, तो जिस जो जो आपको एएस आते हैं इजिली बोरिंग कॉस्ट का है या सपोज करिए कैश फ्लो का भी आ सकता है आपके में, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो एएस पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन कौन से चैप्टर के एएस है, खाली एएस को ही नहीं आगे के जो चैप्टर्स है वो भी आइडेंटिफाई कर लीजिए, जैसे सपोज करिए हायर परचेज आया है आपके में या नहीं, इन्वेस्टमेंट आया है आपके में या नहीं, इंश्योरेंस आया है आपके में नहीं, या फिर कुछ कोई छोटे चैप्टर्स है जैसे रिडम्पशन ऑफ शेयर्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ये सारी चीजें प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आई है जो छोटे चैप्टर्स है। जैसे अब आगे बड़े चैप्टर्स की बात, हमने फोर्थ में बड़े चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ सिंगल एंट्री भी आया है अमालगमेशन भी आया है डिपार्टमेंट भी आया है ब्रांच भी आया है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हम 15 मिनट में ये सोचते हैं कि स्टार्टिंग के 15 मिनट में सीक्वेंस डिसाइड कर ले, पॉसिबल ही नहीं आप सीक्वेंस डिसाइड कर लो, आप एक चीज डिसाइड कर सकते हो कि मैं छोटे क्वेश्चन पहले करूंगा या करूंगा, पहले आपको बस इतना डिसाइड करना है कि पहले मैं छोटे क्वेश्चन को ट्राई करूंगा। आपने एग्जाम में अगर ये चीज ध्यान से सुनना 3 क्वेश्चन 10-10 नंबर वाले मार्क कर लिए कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हैं और मुझे दिखने में लग रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और मैं अटेम्प्ट करूंगा, तो मोर देन 80% क्वेश्चन ज्यादातर चांसेस सही होने के, तो यहीं पर आपके पास होने के चांस बढ़ जाते हैं, पास होने का खतरा तो यहीं से हटा देना कि 3-10 नंबर के क्वेश्चन पूरे 120 नंबर के पेपर में से आपको आइडेंटिफाई करने हैं। उसके अलावा कुछ छोटे क्वेश्चन है 5-5 नंबर के या लास्ट में आ जाए कोई 5-5 नंबर का या एएस के क्वेश्चन है एड ऑन होते होते उससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, 10-10 नंबर के पूरा 3 पेपर पूरे 3 क्वेश्चन को ध्यान से करने के लिए आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन 3 जो है वो पूरे डिट्टो हमारे सॉल्व हो जाए 80-90% करेक्ट हो जाए। और मोहमाया छोड़नी है आपको, जो सपोज करिए आपको कोई चीज दिखने में लग गई कि ये स्टैंडर्ड ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है सिंपल है स्टडी मैट का है और किया हुआ है तो मैं पहले इसे ही कर ले रहा हूं, सिंपल भी है स्टडी मैट का भी है लेकिन सिंगल एंट्री है मतलब बहुत टाइम लगेगा उसे, तो आप स्टार्टिंग में ही मत उठा लेना उसे कि ये तो मेरा करा हुआ है ये राम वही है और अमाउंट भी 10-10 हजार वही है जो मैंने देखी थी और बहुत सारी चीजें पूछी है। दूसरी चीज अगर किसी क्वेश्चन में सपोज करिए अमालगमेशन का क्वेश्चन आ गया और आपसे बोल दी प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑल्सो और आपने उस क्वेश्चन को किसी भी टाइम ड्यूरेशन में उठाया तो ध्यान रखना
जितनी देर में आप अमालगमेशन की पूरे क्वेश्चन को बार बार पढ़ के बैलेंस शीट दिखा के उठा के लिखेंगे और फिर उसे मैच करेंगे और फिर से उसमें लड़ाई करेंगे, मान लीजिए बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही तो आप छोड़ दो। पहली टिप तो यह है कि बैलेंस शीट अगर मैच नहीं हो रही तो उसे छोड़ दो। दूसरी टिप यह है, बैलेंस शीट अगर मान लीजिए छोड़ भी देंगे तो पूरा क्वेश्चन आपने कर दिया है, आप अगले किसी शॉर्ट क्वेश्चन पे मूव फॉरवर्ड कर जाइए, टाइम होगा तो वापस आके बैलेंस शीट बना देना, क्योंकि बैलेंस शीट बनाना और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना एक तरीके से क्वेश्चन को ही 4-5 बार रिवाइज करने के बराबर हो जाता है। तो इस मिस्टेक को अवॉइड कर देना। अगर आपसे बैलेंस शीट एक बार में सारी अमाउंट्स आ गई है, आपने नोट डाउन कर दी है, ठीक है, नहीं मैच हो रहा, आगे चलो। बैलेंस शीट मैच करने की गलती आप बिल्कुल ना करें। इसे बोलते हैं जो ईगो है वो सेट असाइड कर ले। ईगो का क्या मतलब है? मतलब मान लीजिए कोई सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिख गए हमें सिंगल एंट्री हायर परचेज में से, अब वो क्वेश्चन मैच नहीं हो रहे लेकिन मैंने तो वो स्टार्टिंग में ही उठाए थे। सपोज करिए मैंने कोई छोटा चैप्टर भी स्टार्टिंग में उठा लिया, मुझे लगा था ये मेरा इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन उसमें डिविडेंड का पॉइंट अटक गया, इंटरेस्ट का पॉइंट अटक गया, नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये मैंने स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन तो मार्क किए थे, वो ही गलत करूंगा तो आगे क्या होगा। तो अभी आगे आपने पूरा पेपर ट्राई नहीं किया है, तो जहां पर भी कोई भी पॉइंट फंस रहा है आप उसमें मैक्सिमम 3 मिनट दीजिए उसे एनालाइज करने में, 3 से 4 मिनट, कि ठीक हो रहा है, ठीक है, रहा है, आगे चलेंगे, पॉइंट आगे समझ। तो जो फंसे रहेगा उसमें ज्यादा मार्क्स तो इंप्रूव होने से रहे। तो आप अपने ईगो सेट असाइड कर लीजिए कि मैंने तो इसमें इतनी प्रैक्टिस की थी और पता नहीं क्या है ये, या मैं मूड खराब कर लो, या 3 ही क्वेश्चन आते थे, वो ये सारी चीजें बिल्कुल साइड में। प्रेजेंटेशन टिप्स क्या है आपकी? अकाउंट्स के लिए प्रेजेंटेशन टिप है दैट देयर इज नो प्रेजेंटेशन टिप। अकाउंट्स में आपको अगर आपने मेन अकाउंट भी आपने ड्रॉ नहीं करके बनाए हैं तो भी काम चल जाएगा, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ऐसा चांस भी है कि आपके प्री प्रिपेयर्ड अकाउंट्स आ जाएं, नहीं भी आए, इनकेस नहीं भी आए तो प्रेजेंटेशन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बस एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है प्रेजेंटेशन में, कि आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़िए कि क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है, कौन सी स्टेटमेंट पूछी है वो पहले बनाइए, कौन सा अकाउंट पहले पूछा है वो पहले बनाइए, जनरल एंट्री पूछी है वो पहले बनाइए, बस यही प्रेजेंटेशन है। जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उस सीक्वेंस में आप उसकी स्टेटमेंट्स देते जाइए। अगर आपको लगता है कि आपसे स्पेस मैनेज नहीं होता तो स्टेटमेंट के नीचे स्टेटमेंट का वर्किंग नोट, अकाउंट के नीचे अकाउंट का वर्किंग नोट। कोई जरूरी नहीं है कि पहले तीनों स्टेटमेंट बनाओ, उतनी जगह छोड़ो और फिर लास्ट में वर्किंग, कोई जरूरी नहीं है। आप वर्किंग नोट्स को बीच में भी दिखा सकते हैं, जहां स्टेटमेंट बनी है स्टेटमेंट के नीचे, अकाउंट्स के वर्किंग नोट अकाउंट्स के नीचे, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई भी मार्क्स नहीं कटते हैं। नेक्स्ट, कोई भी नई चीज आपको नहीं ले जानी है। नई चीज का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करिए आपको शौक चढ़ाए कि जी अकाउंट्स का पेपर है, पहला पेपर है, मैं न्यू कैलसी ले जाता हूँ, न्यू कैलकुलेटर ले जाता हूँ, या फिर न्यू पेन ले जाते हैं बहुत सारे, इनमें से दोनों ही चीजों के आप हैबिचुअल नहीं हो बिल्कुल। जो नई चीजें हैं, नया कैलकुलेटर हम लेके चले गए, आप इतने 2 महीने से 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो पुराने कैलकुलेटर, पहले वो ही जाइए, स्पेयर में जरूर लेके जाइए, लेकिन नया कैलकुलेटर आप पहले ही उठा के उसे सॉल्व करें, उसमें आपके इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे आप उसमें। तो नई चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। और कौन सी नई चीजें हो सकती है? कोई नया क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल ही नया क्वेश्चन आ गया, आप सोच रहे हो कि छोटा सा लग रहा है, चलो अटेम्प्ट करके देख ले, तो स्टार्टिंग के 2 घंटे तो भूल ही जाइए। कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आता नहीं और आप उसे अटेम्प्ट करने लग गए, जैसे FR का पेपर अभी आया है आज वाला, तो उस FRO के पेपर में क्या हुआ है, जो न्यू कोर्स का पेपर है, वो न्यू कोर्स का पेपर जो 120 मार्क्स का है, मान लीजिए हमें अटेम्प्ट भी करना है 100 मार्क्स का, तो अगर कोई बच्चा उसे 100 मार्क्स के लिए लिखने बैठे तो एटलीस्ट 4 घंटे लगेंगे, एटलीस्ट 4 घंटे लगेंगे उस FR के पेपर को सॉल्व करने के लिए जो आज का आया है फाइनल का न्यू कोर्स का। अब 100 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है और 4 घंटे लगेंगे, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा कोई किसी क्वेश्चन को अपने ईगो पे ले गया तो ये समझ लीजिए कि उसका 60 नंबर का पेपर भी अटेम्प्ट होने से रह गया, 60 नंबर का पेपर भी बहुत मुश्किल हो जाएगा अटेम्प्ट होना। तो इसका मतलब क्या है, आपको हर एक क्वेश्चन की तरफ जाना है, किसी क्वेश्चन पे अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आंसर नंबर आपको मिडल में लिखना है, बिल्कुल आंसर नंबर यहाँ पर लिखे, आंसर नंबर 4 का आंसर है, 4th के बी का आंसर है, और न्यू पेज लीजिए, कोई इशू नहीं है। जैसे सपोज करिए हमें क्या लगता है कि अगर मान लो यहाँ पर 4 पेज 4 ही लाइन लगी है, इसी के नीचे मैं आंसर नंबर 5th लिख देता हूँ, आप लिखिए कोई इशू नहीं, लेकिन अकाउंट्स है तो आप क्या करिए, फ्रेश पेज लीजिए, कोई इशू नहीं है, वहां पर एडिशनल आपको शीट भी मिल जाएगी। रोल नंबर सबसे खतरनाक चीज, रोल नंबर हमारा यहाँ पर ऐसे लिखा होता है 1167 2438, इस तरीके से हमारा मान लीजिए रोल नंबर आ गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है एग्जाम में, जिस समय पे हमें क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहिए उस समय पे हम क्या कर रहे होते हैं, इसके इंग्लिश ढूंढ रहे होते हैं, ये क्या है, मतलब ये 11,67,000 है या 1,16,00,000 है, मतलब क्या है, पहले तो ये ढूंढने लगेंगे वहीं पर। अब रोल एडमिट कार्ड आपके पास है, रोल नंबर आपके पास है, अभी सोच के जाइए वो चीज क्या है, इसमें भी टाइम वेस्ट होता है। दूसरी चीज, और जबरदस्ती की इंग्लिश में टाइम वेस्ट करते हैं कि अगर मुझे 90 लिखना है तो क्या ऐसे 90 लिखूं, 70 कैसे लिखते हैं, इन सब चीजों में डाउटफुल होके वहीं 5 मिनट खराब कर देते हैं, अननेसेसरी, बिल्कुल अननेसेसरी। तो इसी पे ही डाउट होकर आप पहले देख लीजिए कि आपका रोल नंबर क्या है, और अगर उसे इंग्लिश में लिखने बैठ गए तो उसका इंग्लिश का प्रोनंसिएशन क्या होगा, स्पेलिंग्स वगैरह क्या होंगे। उसके फर्स्ट पेज को जो हम फिल करते हैं तो फर्स्ट पेज में एक कॉलम होता है यहाँ पर,
जिसमें आपको भरने होते हैं, जो आप बिल्कुल लास्ट में भरेंगे, बिल्कुल लास्ट में, कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर एक में आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इस तरीके से एक बॉक्स बना होगा। कई बार क्या कहा जाता है कि इनको टिक कर दीजिए कौन कौन से किया गया है, कई बार कहा जाता है इनको टिक मत करिए, यहाँ पर मार्क्स डाले जाते हैं। तो आप क्या करें, अकाउंट्स का पेपर है वैसे ही टाइम नहीं होगा, तो आप इसको पूरा ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई भी इशू नहीं है, ना आप टिक करिए ना आप मार्क करिए, बातें खत्म। ये एग्जामिनर खुद कर लेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है कौन सा क्वेश्चन नहीं किया है, तो इसको आप अवॉइड करिए, इसमें कोई भी मार्क्स नहीं कटते आपके, ठीक है। एग्जामिनर को पैसे मिलते हैं शीट चेक करने के, पूरी चीजें चेक करके फिक्स करेगा, आप मत करें। लास्ट के पांच मिनट में क्या करें, लास्ट के पांच मिनट में ये समझ लीजिए, अगर आपने 180 तीन घंटे का पेपर है, तो 180 मिनट के पेपर में अगर आपने सपोज करिए सही से मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो 175 मिनट्स होने के बाद लास्ट के 5 मिनट्स में भी बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आप लास्ट में अगर कोई आपका स्मॉल क्वेश्चन बचा है, मतलब किसी क्वेश्चन को टैली करने में मत लग जाना कि इसको मैं टैली कर दूं, तो 5 मिनट पता भी नहीं चलेंगे आपको कहां गए, 5 मिनट तो आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ने में लग जाएंगे कि आपने एक्चुअली में पहले क्या किया था। तो अगर आप लोग को कोई अनटैलीड क्वेश्चन है या पहले जो क्वेश्चन टैली नहीं हुआ है, तो उसको क्या करना है कि हम टैली करने बैठ जाएं, उसको आंसर इज नो, हम टैली करने नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई न्यू क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे जो कि कैसा है, अनटच्ड है, हमने किया ही नहीं था। जो भी क्वेश्चन का पार्ट वो है वो लास्ट के 5 मिनट्स में करना चाहिए, पुराने क्वेश्चन की तरफ जाओगे तो वो वैसे भी टाइम वेस्ट ही हो जाएगा 5 मिनट पढ़ने में। और अदर पॉइंट्स हम क्या ध्यान रख सकते हैं अकाउंट्स के पेपर के लिए, अकाउंट्स है कोई भी पेपर है, आप उसमें जो कॉमन चीजें हैं क्या ध्यान रख सकते हैं, सबसे पहली चीज आप वाटर बॉटल वगैरह जो वो कह रहे हैं वो आप लेके जाइए, क्राउड को अवॉइड करिए। एग्जाम सेंटर के बाद कुछ कुछ स्टेट्स में देखा गया है कि बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो आप उस भीड़ को भी अवॉइड करिए, दूर जाके खड़े हो जाइए, टाइम बहुत होता है अंदर जाके बैठने वगैरह का, सारी चीजों का प्रेशराइज फील ना करें। मास्क आपको ऐसा कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं होगा कि 24 घंटे कोई बिल्कुल ही आपके सामने आंख खोल के बैठा है कि कहीं आपने नीचे तो नहीं किया, ऐसे कुछ सिस्टम नहीं होता। आप बैठे हैं, आपको ब्रीदिंग थोड़ा बहुत इशू हो रहा है, उसे नीचे करिए, सांस लीजिए, फिर से ऊपर बैठे, 3 घंटे एग्जाम देने में कोई इशू नहीं होता मास्क पहन के एज सच। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसके अलावा हम अवॉइड जो कर सकते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं क्रॉसिंग्स। आपका कोई क्वेश्चन सपोज करिए आपने अकाउंट बनाया है, उस अकाउंट में यहाँ पर आपने अमाउंट लिखी वो गलत हो गई, फिर आपने उसे काटा, फिर अमाउंट लिखी वो गलत हो गई, फिर आपने उसे काटा। जब हम 10 बार कटिंग कर ले उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि चलो पूरा ही काट देते हैं, उसके बाद न्यू कर लेते हैं। आप ये समझ लीजिए आपने 2 या 3 से ज्यादा बार कटिंग कर दी है, तो क्वेश्चन दोबारा स्टार्ट कर दो, दोबारा लिखना ही है आपको। और ज्यादा कटिंग करके उसे दोबारा स्टार्ट करने से अच्छा है 2 से 3 बार कटिंग हो, काटो अगले पेज पे दोबारा से लिख दो, फटाफट से करो। अकाउंट्स बनाने बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए बिना अकाउंट बनाए क्वेश्चन करने की। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिना अकाउंट बनाए लिखिए, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर वाई बैलेंस सीडी, तो पूरा क्वेश्चन कर दीजिए। कई बार क्या होता है हम नीचे से अकाउंट्स पहले से ही क्लोज कर देते हैं और एंट्री नीचे चली जाती है। दूसरी चीज, यहाँ पर कभी भी दूसरी एंट्री सी के जस्ट नीचे ना लिखें, 1 या 2 लाइन छोड़नी है 2 छोड़ो, 1 लाइन तो एटलीस्ट छोड़िए। 1 लाइन किसके लिए छोड़ी जाती है कि पहली चीज प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ठीक हो जाती है, दूसरी चीज अगर मैं कोई एंट्री भूल गया तो मैं बाद में यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, अगर मैंने पहले ही ऐसे ऐसे कर दिया है तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख के यहाँ लिख दूं मेरा अकाउंट बंद हो गया, क्या इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ता है? आंसर इज नो, अमाउंट देखेंगे बस और कुछ नहीं देखेंगे। आपका क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन उठाया और क्वेश्चन का नाम था इन्वेस्टमेंट, चाहे वो डिबेंचर्स का आया है चाहे वो शेयर्स का आया है, किसी का भी क्वेश्चन आया है। डिबेंचर्स और शेयर्स के क्वेश्चन में एक खास बात क्या होती है, स्पेशली अगर हम डिबेंचर्स की बात करें तो इंटरेस्ट वाले पॉइंट में बहुत एंट्रीज होती हैं, तो आप यहाँ पर बनाएंगे फेस वैल्यू अमाउंट और पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट का इजी होता है, पहले देख लीजिए कि उसमें कितनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, कितनी बार वो शेयर खरीद रहा है बेच रहा है। अगर ये ट्रांजेक्शन 6 बार से ज्यादा हो जाती है तो आप सपोज करना आपको उतनी ही बार डेट्स लिखनी पड़ेंगी, उतनी चीजें ये लिखनी पड़ेंगी। तो आप इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन को छोटे क्वेश्चन की कैटेगरी में बिल्कुल ना रखें। अगर उसमें 6 से ज्यादा एंट्रीज है मतलब वो बड़े आया कितने मार्क्स का वो छोड़ दीजिए, अगर वो 6 बार से ज्यादा एंट्री उसके अंदर आ जाती है मतलब वो बड़े क्वेश्चन की कैटेगरी में आ गया है, स्टार्टिंग में उसे मत लीजिए। स्टार्टिंग में कौन से क्वेश्चन लेने चाहिए, जैसे एएस के क्वेश्चन है ये आपको स्टार्टिंग में लेने चाहिए, और भी हायर परचेज वगैरह के जो भी छोटे क्वेश्चन होते हैं वो मार्क्स डिपेंड करेगा एग्जामिनर ने कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए दिया है। पेपर से पहले कोई भी चीज प्री डिसाइड ना करें, अगर आप पेपर से पहले प्री डिसाइड करके गए हैं कि सपोज करिए कि जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं मुझे कौन कौन सा करना है, मैं तो जी इन्वेस्टमेंट का करूंगा, हायर परचेज का करूंगा, ब्रांच का क्वेश्चन कर दूंगा इन्वेस्टमेंट का, ये तो मतलब टिप्स पे है, मतलब ये तो कोई इश्यू नहीं है, तो हो ही जाएंगे। तो आप पहले से डिसाइड मत करिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, एग्जामिनर ने पेपर बनाया है कि जिस भी एग्जामिनर जिस भी पेपर सेटर ने पेपर बनाया उसने डिसाइड किया कि कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है कौन सा ईजी है,
ठीक है, तो कोई भी पहले से चीज प्री डिसाइड ना करके जाए कि मैं फेवरेट चैप्टर्स उठा लूं, मार्क्स कितने के लिए है वो इररिलेवेंट, एंट्रीज कितनी है, एडजस्टमेंट्स कितनी है वो इररिलेवेंट, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी बेकार। तो सम अप कर देते हैं फटाफट से। पहली चीज क्या करनी है आपको, पहले 15 मिनट में सब कुछ डिसाइड नहीं हो सकता, ये चीज अपने आपको समझानी है। पहले 10 मिनट देखिए कौन कौन से किस किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। पहली चीज जो क्वेश्चन आपको करना है उसे 15 मिनट खत्म होने से पहले डिसाइड कर लीजिए कि माइंड में कि ये एंट्रीज में होनी है, ऐसे से अकाउंट बनेगा। आगे कोई भी चीज आपको ओवर एम्फसाइज नहीं करनी, ना अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा पेपर, ना बुरा बहुत ज्यादा बुरा पेपर। स्ट्रेटजी के लिए बताया है आपको, इजी क्वेश्चन दिखने में लग रहा है ज्यादा मार्क्स का है लेकिन एंट्री बहुत ज्यादा है, छोड़ दीजिए उसको। आपको लगता है बहुत छोटा क्वेश्चन है जल्दी हो जाएगा लेकिन मार्क्स बहुत ज्यादा है, नहीं करना आपको। ईगो को बिल्कुल छोड़ देना है, कोई क्वेश्चन नहीं अटक रहा है, इजी चैप्टर था ये तो आता था मुझे, बिल्कुल साइड कोई इशू नहीं है उसका। प्रेजेंटेशन टिप्स कोई है ही नहीं, फ्रेश पेज से स्टार्ट करिए, बोल्ड लिखिए बिल्कुल, एंट्रीज को छोड़ छोड़ के बनाइए, गैप होना चाहिए एडजस्टमेंट्स के लिए। कोई भी नई चीज ना करे, पहले मत ले जाए, स्पेयर में जो चीजें हैं वो नहीं हो सकती है। अकाउंट आंसर नंबर आपको क्या लिखना है, बिल्कुल मिडिल में। रोल नंबर आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करके जाना है। फिलिंग ऑफ फर्स्ट पेज का बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको। लास्ट के 5 मिनट्स में क्या करना है, अनटच्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गड़े मुर्दे जिसे बोलते हैं वो नहीं उखाड़ने एग्जाम में, कि ये क्वेश्चन रहेगा तो 5 मिनट पढ़ने में ही चले जाएंगे। अगर कुछ चीजें हैं वाटर बॉटल वगैरह ये सारी चीजें आपको ये ध्यान में रखनी है। अकाउंट्स के पेपर के लिए इतनी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, और अगर कुछ चैप्टर्स में सपोज करिए अभी भी डाउट है कि चैप्टर्स में आरटीपी में उसमें डाउट था या एमटीपी में डाउट था या ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा, तो लास्ट के टाइम पे एक पूरा पेपर 120 मार्क्स का होगा। तो ये चीज अपने दिमाग में रख के चलिए कि 120 मार्क्स का पेपर आता है। अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको परेशान कर रहा है तो एंड मोमेंट पे उसी के पीछे मत लगे रहना। एएस वगैरह को अगर आप उतने में रिवाइज कर लोगे तो वो ज्यादा अच्छी टेक्निक मानी जाएगी एग्जाम से जस्ट पहले। जैसे पीपीई है, उसमें थ्योरी भी पूछी जा सकती है, उसमें प्रैक्टिकल भी पूछा जा सकता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे एएस 16 में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन सारी चीजों के बीच में एक ही कंक्लूजन है कि किसी भी सिचुएशन में ओवर हाइप ना करें अपने आप को, नॉर्मल बैठ के पेपर कीजिए। आपने 3 क्वेश्चन उठा लिए 10-10 नंबर के कि हाँ ये मुझे आते हैं, वो इनफ होते हैं पास होने के लिए, बस। इससे ज्यादा अकाउंट्स में आप बहुत ज्यादा ओवर ट्राई ना करें, बहुत ज्यादा गलतियां ना करें, सिंपल रखें पेपर को। अगर कोई चीज गलत हो गई है तो सिंपली पेज को क्रॉस करें और आगे जाइए। लास्ट में अगर कोई आंसर शीट ली है तो ध्यान रखना, अगर लिखा हुआ है कि शीट में रोल नंबर नहीं लिखना है तो आपको नहीं लिखना है। आप ज्यादा क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से स्टेपलर ले जा सकते हैं कि उन्होंने जो धागा दिया है वो भी लगा दीजिए और अपना स्टेपलर भी लगा दीजिए। ये चीज आप एक कर सकते हैं सेफ्टी के लिए। आप ये नहीं कि रोल नंबर मैं लिख के आ जाऊं, रोल नंबर नहीं लिख के आना। अगर उसमें लिखा होता है ज्यादातर आंसर शीट्स में कि रोल नंबर नहीं लिखना होता तो आप भी नहीं लिख के आएंगे, नाम भी नहीं लिखना होता, जो चीज वो बताएंगे वो लिख के आने, बस नंबर लिखना होता है। आंसर शीट एडिशनल नंबर 1 है 2 है 3 है क्या चीज है, बस स्टेपलर लेके जाइए और कुछ नहीं करना आपको इसके साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अकाउंट्स एग्जाम। जैसा भी होगा आप पहले पेपर को रिलैक्स होके पढ़िए और रिलैक्स होके सॉल्व करिए और कुछ भी नहीं। 3 क्वेश्चन 10-10 नंबर के सॉल्व हो गए मतलब पेपर ठीक डायरेक्शन में जा रहा है, बस इतना आपको पेपर में आइडेंटिफाई करना और कोई भी परेशानी नहीं आएगी।